नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका जुड़ू बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फ्रेंड, आज बात करने वाला हूँ, अगर आप इंडिया से कतर जाना चाहते हैं, यानी भारत से अगर आप कतर जाना चाहते हैं, तो क्या प्राइस पड़ सकते हैं एक फ्लाइट की टिकट की, और भारत के किस जगह से फ्लाइट की टिकट बुक करें कि सबसे सस्ता में जाया जा सकता है कतर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर इस चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के ठीक नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, जिसको प्रेस करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। फ्रेंड, यहाँ पर मैं तीन जगह से मैं बात करूँगा, पहला होगा कोलकाता, फिर दूसरा होगा दिल्ली, फिर तीसरा होगा मुंबई। इन तीनों जगह से मैं कहाँ से फ्लाइट टिकट बुक करेंगे सबसे सस्ता में जाया जा सकता है कतर। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ कोलकाता से। अगर कोलकाता से आप फ्लाइट टिकट बुक करते हैं कतर के लिए, तो आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। स्टार्टिंग प्राइस देखा जाए तो आपको पड़ जाता है कम से कम 10,450 रुपये के आसपास में पड़ता है, यानी 10,450, 11,000, 11,500, 12,000, 13,000 के आसपास में आपको एक फ्लाइट टिकट पड़ जाती है कतर के लिए। और अब बात करते हैं, अगर आप दिल्ली से बुक करते हैं तो वहाँ से क्या प्राइस पड़ती है। फ्रेंड, दिल्ली से अगर आप बुक करते हैं कतर के लिए फ़्लाइट, तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। स्टार्टिंग प्राइस देखा जाए दिल्ली से अगर बुक करते हैं तो आपको 9,169 रुपये पड़ जाता है, यानी 9,169 10,000 10,500 के आसपास में ये भी पड़ जाएगा। और सबसे सस्ता देखा जाए तो फ्रेंड, अगर आप कतर जाना चाहते हैं तो सबसे सस्ता आपको पड़ जाता है मुंबई से। मुंबई से स्टार्टिंग प्राइस देखा जाए आपको कतर की, तो आपको पड़ जाता है 7,920 रुपये से स्टार्ट, यानी 7,920, 8,000, 8,500, इस तरह से आपको प्राइस मिल जाती है। लेकिन देखा जाए मुंबई से आपको हर जगह से आपको मुंबई से सस्ता पड़ जाता है, अगर आप 1 से 1.5 महीने 2 महीने पहले बुक करते हैं तो। और सभी के प्राइस फ्रेंड कोई फिक्स नहीं होती है, समय समय के साथ घटता बढ़ता रहता है। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।